नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश दोस्तों आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा कि पीवीसी पाइप का व्यापार कैसे करें संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं धन्यवाद करता हूं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं पी वी सी पाई जी हाँ दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पीवीसी पाइप होते हैं पाली यूरेथिन पाइप रिसाइकल्ड पीवीसी पाइप पीटीएफ लाइन पाइप यूपीवीसी प्रेशर पाइप फ्लेक्सिबल पाइप यूपीवीसी कॉलम पाइप पीवीसी वी पाइप पी वाटर सप्लाई पाइप वेस्ट पाइप कंपोजिट पाइप एच डी पी ई डबल वॉल कारूगेट्स पाइप यू पी वी सी कृषि सिंचाई पाइप स्क्रीलर पाइप तो ये इतने प्रकार के पाइप होते हैं तो इसमें से आप सभी प्रकार का कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कैसे लें आपको अपने पी पाइप बनाने के लिए व्यापार को शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है लाइसेंस की जरूरत है सबसे पहले आप अपने व्यापार को एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेट करें इसके बाद आप अपने नगर पालिका ऑथरिटी से एक ट्रेड लाइसेंस बीमा और टैक्स पहचान संख्या प्राप्त करें इसके अलावा कुछ अन्य परमिट में जैसे कि आई एस ओ सर्टिफिकेट अपने ब्रांड को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आदि करना आवश्यक है साथ ही इस व्यवसाय के लिए आपको एक कारखाना भी खोलना होगा जहां आप पाइप का निर्माण कर सकें इसके लिए आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन प्राप्त करनी होगी और साथ ही आपको वेट रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत होगी आप पी उद्यमी को शुरू करने से पहले सभी आवश्यकताओं का पता जरूर लगा लें और साथ ही आपको अपने उद्योग के लिए उद्योग आधारित एम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी आवेदन करना होगा आपको अपने पाइप की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बी सर्टिफिकेशन यानी कि गुणवत्ता सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की आवश्यकता है इसके साथ ही आप बैंक में एक चालू खाता भी होना चाहिए इसके लिए आप नेशनलाइज बैंक को प्राथमिकता दें पीवीसी पाइप बनाने के लिए आवश्यक मशीन और उपकरण पीवीसी पाइप बनाने के व्यापार शुरू करने के लिए आपको जो मशीन की जरूरत पड़ेगी वो बता देता हूं हाई स्पीड मिक्सर सबसे पहले आपको हाई स्पीड मिक्सर की आवश्यकता हो होगी क्योंकि नॉन शेड टाइम कैम 50 किलोग्राम प्रति बैच एवं प्रति घंटे का काम होगा और यह पूर्ण नियंत्रित और कूलिंग व्यवस्था से भरा होगा रिजिट पाइप एक्सट्रूडर इस व्यवसाय में पैंसठ एम mm प्रति 18 वी पीवीसी रिजिड रिजिट पाइप एक्सट्रूडर प्लांट की आवश्यकता होगी जिसमें आपको दो स्क्रू एक्सट्रीडूर वैक्यूम साइजिंग यूनिट कूलिंग टैंक हॉल ऑफ द यूनिट और कंट्रोल एवं मोटर आदि के साथ भरी हुई कटिंग डिवाइस भी होती है विभिन्न आकार के डाई और मेटल विभिन्न आकार के पाइप बनाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के डाई जैसे कि बीस पच्चीस पैंतालीस तिरसठ पचहत्तर नब्बे और एक सौ दस की डाई की आवश्यकता होगी और साथ ही मेटल जैसे कि दो दशमलव पाँच चार छः और दस किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर आदि के आकार के होने चाहिए स्क्रैपर एवं ग्राइंडर आपको हैवी ड्यूटी वाले इलेक्ट्रिक मोटर के साथ स्क्रैपल और ग्राइंडर की आवश्यकता होगी अन्य उपकरण इन सभी के अलावा ओवरहेड पाइप के टैंक और रिसाइकलिंग पंप यूनिट वजन संतुलन डायरेक्ट एक्यूरेसी के साथ हैवी टाइप इंडस्ट्रियल मॉडल पाइप स्टोरेज रैक्स कुछ हाथ में उपयोग होने वाले उपकरण ग्रीस एवं तेल लगाने वाले उपकरण आदि की आवश्यकता पड़ेगी विभिन्न टेस्ट उपकरण इसके साथ ही कुछ केमिकल टेस्टिंग लैब उपकरण जैसे कि रासायनिक संतुलित ओवन और टेस्टिंग उपकरण बल्ब डेसिट विशिष्ट ग्रेविट लीड और टीन एस्टिमेशन आदि और साथ ही लैब कैपेसिटी टेस्टिंग उपकरण जैसे कि इंपैक्ट टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाइड्रोलिक प्रेशर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आदि में युक्त उपकरण की आवश्यकता होगी अब आपको जो है पीवीसी पाइप बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल कहाँ मिलेगा बता देता हूँ मैं आपको कहाँ से खरीदें कच्चा माल में जो है पीवीसी रेसिन डीओपी स्टेबलाइजर प्रोसेसिंग एसिडस लुब्रिकेट्स कलर्स फिलर्स आदि की आवश्यकता होती है साथ ही बिजली और पानी के लिए आवश्यक प्रमुख यूटिलिटी भी है ये सभी चीज़ों को प्राप्त करने के बारे में आपको किसी प्रसिद्ध पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी से जाकर पता लगाना होगा इसके अलावा ये सभी सामग्री आपको ऑनलाइन बाज़ार में उपलब्ध होगी जहाँ से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं तो ऑनलाइन में आपको मिल जाएगी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो ऑनलाइन जैसे ही आप लिखेंगे पीवीसी कच्चा माल तो तुरंत आ जाएगा आपको कहाँ कहाँ मिलता है और क्या रेट है पीवीसी पाइप बनाने के लिए आपको विभिन्न चरणों को फॉलो कर रहा होगा मैं आपको सब चरण बता देता हूँ सबसे पहले क्या करना है एक्सटूशन कुछ अन्य थार्मा प्लास्टिक से बने पाइप के विपरीत पीवीसी बिना रेसिंग के डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त नहीं है आवश्यक प्रोसेसिंग एंड स्टेबिलेटिंग के लिए पीवीसी वी रेसिंग के साथ कुछ एडिक्ट को मिक्स करना आवश्यक है यह मैं आपको बता देता हूँ पहला है प्लाटिसाइजर पीवीसी पाइप्स के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले आम प्लास्टिसाइजर डी पी ओ डी आई ओ पी डी बी पी डी ओ ए डी ई पी आदि है दूसरा है स्टेबलाइजर। पीवीसी पाइप के निर्माण के लिए सामान्य स्टेबलाइजर में लेड बेरियम कैडमियम, टीन स्टीरिएट आदि शामिल होते हैं लुब्रिकेशन पीवीसी पाइप के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले लुब्रिकेशन ब्यूटी स्टीरिएट गाइज मोनोस्टीरिएट एम्पोक्सडाइज मोनो एम्पो मोनोस्टेज ऑफ ऑलेल एसिड स्टारिक एसिड आदि है फिलर्स इसके साथ ही फिलर्स का उपयोग विशेष गुणवत्ता वाले पीवीसी पाइप के निर्माण के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए का लाइट क्ले का उपयोग केबल कंपाउंड के इलेक्ट्रिक गुणों में सुधार के लिए किया जाता है एक्सटूशन ऑपरेट में पीवीसी रेसिंग को हाई स्पीड मिक्सिंग में साइज स्टेबलाइजर लुब्रिकेशन और फिलर्स के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि प्रक्रिया में सुधार और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाया जा सके इसके बाद इस मिश्रण किए हुए पीवीसी रेसिन को डबल स्क्रू एक्सट्रूडर में डाला जाता है और वहाँ पर जिस व्यास का पाइप बनाया जाता है उसकी डाई फिट रहती है इसके बाद ये मिश्रण पीवीसी एक गर्म चैम्बर के माध्यम से होते हुए गुजरता है और फिर ये टेम्परेचर एवं स्क्रू के कम्परेचर में चलते पिघल जाता है और ये जिस आकार का पाइप बनाना जाता है उसमें वो परिवर्तित हो जाता है फिर इसे बाहर निकालने के बाद पाइप पर मार्किंग की जाती है साइज साइजिंग एक्सट्रूडर के से पाइप को बाहर निकालने के बाद उस साइज ऑपरेशन में ठंडा किया जाता है इसके लिए मूल रूप से दो प्रकार से साइजिंग का उपयोग किया जाता है प्रेशर साइजिंग और वैक्यूम साइजिंग टैक्शन साइज के बाद आवश्यकता अगला है ऑपरेशन टैक्शन है ट्यूब टैक्शन यूनिट एक्सट्रूडर द्वारा बाहर निकालते हुए पाइप की निरंतर ढुलाई के लिए आवश्यक होता है कटिंग इसके बाद आखिरी ऑपरेशन कटिंग का है रिजिट पीवीसी पाइप की कटिंग के लिए मूल रूप से दो तकनीकें हैं जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक है इसके माध्यम से पाइप की कटिंग की जाती है फिर पाइप को आईएसआई से मार्क के लिए टेस्टिंग किया जाता है और सप्लाई करने के लिए तैयार किया जाता है ट्रांसपोर्ट पीवीसी पाइप के निर्माण के बाद अंतिम चरण परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट आपको खरीदारों को पीवीसी पाइप के परिवहन के लिए उपयुक्त वाहन की आवश्यकता करने की आवश्यकता पड़ेगी इस तरह से आप बना सकते हैं अच्छी गुणवत्ता में पीवीसी पाइप निवेश और लाभ कितना है तो इसकी मशीन अगर पीवीसी पाइप बनाने वाली मशीन 20 लाख रुपए तक प्राप्त होगी इसके अलावा उपकरण कच्चे माल और स्थान कुल मिलाकर 10 लाख का खर्च आएगा इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 30 से 40 लाख रुपए लगेंगे हालांकि जब आप एक बार इस चीज़ में निवेश कर देंगे उसके बाद आपको बार बार निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी ये लंबे समय तक के लिए कार्य करेगा आपको इसका अधिक लाभ प्राप्त होगा क्योंकि इन दिनों लोग अपने घर में पीवीसी पाइप कनेक्शन अधिक करवाते हैं स्थान पीवीसी पाइप बनाने की कंपनी शुरू करने के लिए कैसे स्थान की ज़रूरत होगी इसके लिए आपको ज़्यादा महंगी सुविधा या स्थान पाने की आवश्यक की कोशिश से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए आप अपने पीवीसी पाइप बनाने के लिए कंपनी को शहर के बाहर स्थापित कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करना सस्ता होगा शहर के बाहर आपको पीवीसी पाइप बनाने का स्थापित करने में केवल आपको आपके कच्चे माल के परिवहन का खर्च लगेगा आपको इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए स्थान में ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा गुणवत्ता यदि आप चाहें तो आपको यह उद्यमी अधिक सफल हासिल कर सकता है इसके लिए उत्पादन की उचित गुणवत्ता के प्रबंध और नियंत्रण में विशेष ध्यान रखना आवश्यक है आप अपने उत्पादन की गुणवत्ता का परीक्षण अवश्य करें जिससे आपको टेस्टिंग शक्ति मिलेगी सील और इसका नालीदार क्षेत्र कितना टिकाऊ है ये परीक्षण करना होगा इस तरह से आप परीक्षण कर लें तो दोस्तों इस तरह से आप व्यापार कीजिए मोटी कमाई है एक बार इन्वेस्ट है और बार बार कमाई है मैंने आपको सारी प्रक्रिया बता दी है किस तरह से जो है आपको लाइसेंस लेना है किस तरह से ज़मीन लगेगी इसका बाद में आपको विज्ञापन करना पड़ेगा दोस्तों ये एक आम बात है आजकल बिना विज्ञापन के कोई बिजनेस नहीं होता तो आप इसको विज्ञापन टी के माध्यम से कर सकते हैं अखबार के माध्यम से कर सकते हैं इसके अलावा जो है रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं फिल्मों में आप जो है आ, पाइप का जो है कोई सिकवल उसका उसके उसमें कर सकते हैं ताकि लोग फिल्मों से देखकर कर पाइप को खरीदने के लिए आए इसके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं आप अपने जो है होर्डिंग लगा दें पेपर में ऐड दें इससे जो है आप जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कमाई बढ़ेगी उतना ज़्यादा और ऑर्डर मिलेगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जानने की इजाज़त दीजिए नमस्कार जय हिंद